टास्क हमारा क्या था कि आपको ऑल रिकॉर्ड्स, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, इनको डिस्प्ले कराओ टेबल टेबल में। तो ठीक है, सिंगल रिकॉर्ड्स आपने निकाला, सिंगल रिकॉर्ड दिखा दोगे। लेकिन आप ये याद रखो, यहाँ पर से यहाँ ध्यान दो कि जो ब्राउजर पे जो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है यहाँ, तो ये रो 1 कौन सा है? रो 1, 2, 3, 4, इसके अंदर कितने हैं? इसको बोलते हैं सेल, है ना? सेल 1, सेल 2, 3, 4, 4 सेल्स। तो इनको हमें बाइंड करना होगा एक ग्रुप में। किसमें बाइंड करेंगे यार? रो 1 को बाइंड करो, वापस से फिर सेकेंड रो को बाइंड करो, फिर थर्ड रो को बाइंड करो। इस तरह से अगर मैं सारे रिकॉर्ड को अगर बाइंड करता हूँ तो एक अगर ग्रुप क्रिएट करता हूँ, कौन सा? रो 1 का एक ग्रुप। देखो रो 1, ले लो, ठीक है? जैसे हमारे पास क्या है, एक ग्रुप TR TD, और इसके अंदर कोई डेटा है। डेटा मान लो इसके अंदर ऐसा है ना, मोबाइल क्वांटिटी टोटल, मोबाइल प्राइस हो गया इसकी कुछ सब्जी, 10 टोटल हो गया। ये एक ग्रुप हुआ। दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप। इसमें आप ध्यान दीजिए, वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी। आवाज कितने लोगों को लग रहा है सर? सभी को? हेलो सुजीत, ब्रेक होके आ रही है, हिंदी फ्रीज हो गई सर। तो यार अभी चेक करो, अभी सही है? ठीक यस सर, अभी ठीक है। है, अगर मैं ये सारे रिकॉर्ड को ग्रुप करता हूँ एक ग्रुप, कितने ग्रुप होंगे? ग्रुप 1, ये क्या है? इसका नेम। यहाँ इन सब को कॉपी में करता हूँ, कॉपी में। ये है हेडिंग, दूसरा जिसका पास डेटा, ये है सारे रिकॉर्ड्स, कॉपी पेस्ट। ज्यादा नहीं, बस रिकॉर्ड्स ले लेते। अब यहां जब हम एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम, तो देखो क्या हो रहा है। एक ग्रुप में जो डेटा है, अगर हमें लूप में डिस्प्ले कराना है, कोई चीज एग्जीक्यूट करना है, तो कैसे डिस्प्ले होगी? देखो, नेम, नेम में जाना चाहिए, प्राइस, प्राइस में सेट हो, क्वांटिटी, क्वांटिटी के अंदर जाना चाहिए, इसके अंदर, इस फील्ड के अंदर, इसी तरह से ये ठीक है। वो आप एक ग्रुप, और इसी तरह से सारे में चीजें सेम है, वापस से फिर से नेम, दोबारा प्राइस, नेम हो गया, मान लो मैंने रख दिया लैपटॉप, लैपटॉप। इधर टैग,
इन सबका जो ग्रुप हो रहा है, और ये एक क्या किया गया है, स्टोर किया गया है किसी स्टोरेज एरिया। तो डेटा अभी हमारे पास ये क्या है, मैनुअली डेटा हमने ऐड किया है, यहाँ मैनुअल डेटा है ना। अगर हमें डायनेमिक डेटा लाना है और यहाँ सेट करना है, तो डेटा का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, डेटा कैसे सेट करेंगे ग्रुप में। तो इसको ग्रुप करने के लिए किसके बेस पे ग्रुप करेंगे, इसकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नेम प्लस वैल्यू, जिसको बोलते हैं की एंड वैल्यू में। तो की कि इसके अंदर क्या कौन सा की है, उसके बेस पे यहाँ पास डिस्प्ले कराओ डेटा, ठीक है। तो एक ग्रुप इसके लिए मैंने क्रिएट किया, कितना, कर्ली ब्रेस। कर्ली ब्रेस के अंदर ये डेटा, कर्ली ब्रेस के अंदर फर्स्ट जो ग्रुप के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसका नेम क्या है, उसका नेम नेम है ना, नेम नेम कॉलन वैल्यू, वैल्यू क्या है, मोबाइल। दूसरा प्राइस, प्रॉपर्टी नेम प्राइस, प्राइस डेटा क्या है, प्राइस कितना है, 1000, ठीक है। ये जो होगा नेम जो होगा हमेशा स्ट्रिंग में होगा ग्रुप करने के लिए, ठीक है। और कॉमा से सेपरेट होंगे, होंगे कॉमा से सेपरेट होंगे, कॉमा से ये भी सेपरेट होगा, कॉमा से। दूसरा क्या है, नेम क्वांटिटी, क्वांटिटी शॉर्ट में लिखा, क्वांटिटी कितना है, 10 पीस, कॉमा टोटल, टोटल टोटल कितना हो गया इसका, है एक एंट्री, क्या बोलते हैं इसको, वन एंट्री। वन एंट्री मीन्स की एंड वैल्यू, एक क्या कहलाता है, की और वैल्यू, वन एंट्री, एक रिकॉर्ड, उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड, उसके बाद तीसरा रिकॉर्ड। तो कितने रिकॉर्ड होंगे, मल्टीपल रिकॉर्ड कंटेन करता है एक ग्रुप, इस ग्रुप को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट का जो डिजाइन है, इसे देखो, जिसका टेम्पलेट है, इसका क्या है, की एंड वैल्यू। इसके अंदर जो की है सर, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही क्या, साक्षी आ रही है आवाज, आ रही है सर, आ रही है, आ रही है सर, आ रही है, आ रही आ रही, ठीक है। देखो जी सर, आ रही है। अब इसको हमने क्या किया, ग्रुप में कर दिया। ग्रुप में देखो, जब मैंने किया तो वैल्यू जो इसके अंदर, इसको क्या बोलते हैं, की, और इसके अंदर जो डेटा आएगा उसको बोलते हैं वैल्यू, और इन दोनों की और वैल्यू के जो पेयर को बोलते हैं एंट्री, वन एंट्री, वन एंट्री ये। और इसको, इन सारे को हमने क्या किया, एक ग्रुप में क्रिएट कर दिया, इसको बोलते हैं वन ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट। तो की सभी का देखो सेम है, नेम प्राइस, लेकिन डेटा क्या होंगे, सबके अलग अलग होंगे। इसके लेफ्ट टॉप डेटा क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, लेकिन की जो होंगे सेम होंगे। एक ग्रुप होते हैं ऑब्जेक्ट, और इन ऑब्जेक्ट को एक एक करके, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, यहां से उठा के किसके अंदर प्लेस कराना है, इसके अंदर। उसके बाद सेकंड, सेकंड ऑब्जेक्ट को प्लेस कराना है इसके अंदर, थर्ड ऑब्जेक्ट को प्लेस कराना है इसके अंदर। तो किसके बेस पे प्लेस कराएंगे, की वैल्यू, की के बेस पे। की सभी का सेम है, तो यहाँ आप ध्यान दो, अगर इसको डायनेमिक हमें क्रिएट करना है, डायनेमिक, तो पहले मैंने आपको एक लूप बताया था, कौन सा लूप बताया था, फॉर ऑफ और फॉर इन। फॉर वो
रिटर्न करता है क्या प्रॉपर्टी, फॉर ऑफ रिटर्न करता है ना। तो अगर मुझे प्रॉपर्टी मिल जाती है क्या, इसकी प्रॉपर्टी नेम प्राइस क्वांटिटी और टोटल, तो इसके बेस पे हम क्या निकाल सकते हैं वैल्यू। अगर मैं इंडेक्स नंबर दूं, जैसे मान लो इन सभी के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, कितने रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, इनको क्या मैं एक एरे में स्टोर कर सकता हूं। एरे में लेट एरे, एरे जो भी है कौन सा डेटा है हमारे पास, प्रोडक्ट डेटा है, एरे प्रोड या एरे वन ले लो, ठीक है। इसके अंदर एरे बनाया, एरे में डेटा किस पे स्टोर होता है यार, इसके अंदर हम बताया था कि याद है। तो अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओबीजे, ओबीजे वन एक ऑब्जेक्ट स्टोर किया, ओबीजे टू दूसरा ऑब्जेक्ट, ओबीजे थ्री, इसके अंदर हम कितने ऑब्जेक्ट रिस्टोर कर सकते हैं, अनलिमिटेड मल्टीपल ऑब्जेक्ट हम स्टोर करा सकते हैं जितना चाहे उतना, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट को स्टोर कराना है तो हमने क्या किया है, ग्रुप बनाया है, इसके अंदर ग्रुप, तो ये जो ग्रुप है ओबीजे वन, ओबीजे वन जो है वो कहाँ पास है, इसका इंडेक्स नंबर जीरो, ओबीजे इंडेक्स वन, ओबीजे इंडेक्स, ओबीजे थ्री इंडेक्स टू पे, तो सभी इंडेक्स बेस पे है। अभी तक मैं यहाँ हम लोग क्या कर रहे थे, डायरेक्ट वैल्यू एंटर कर रहे थे, अब हम क्या यूज, अब एंटर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट स्टोर, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्टोर कराने के बाद इसमें हमें क्या काम करना है कि इसकी जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पे वर्क करना, किसके, ये जो प्रॉपर्टी है इस पे, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी चाहिए। तो अब यहाँ ध्यान दो, अब एलिमेंट्स कौन कौन से डायनेमिक क्रिएट करने हैं, कोई भी क्रिएट करना हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है आपको टेबल टैग भी डायनेमिक क्रिएट करना हो, टेबल हेड भी डायनेमिक क्रिएट करना हो, तो डायनेमिक एलिमेंट कैसे क्रिएट करते हो मैंने बता दिया, ठीक है। तो उसके अंदर हेडिंग आप अभी स्टैटिक डाल दिए हैं, अभी आप हमने क्या इसमें डाला है सारे डेटा को स्टैटिक, सारी चीजें स्टैटिक, हमें बस क्या करना है इसके अंदर टेबल क्या सेट करना है, टेबल रो और टेबल डेटा, अभी दो ही चीज है। इन फ्यूचर बाद में हम देखेंगे कि आप ये पूरा का पूरा टेबल भी डायनेमिक क्रिएट करना, कैसे पूरा का पूरा टेबल डायनेमिक क्रिएट करते हैं, टोटल फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं, ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट करते हैं, रेडियो बटन्स कैसे क्रिएट करते हैं, डायनेमिक सारी चीजें डायनेमिक, ठीक है, कैसे क्रिएट करते हैं, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप चलो देखो। तो अभी ध्यान दो, तो हमारे पास क्या है, इस टाइप में ग्रुप में हमारे पास डेटा है, तो मैं अगर जीरो इंडेक्स का, जीरोथ इंडेक्स पे जो डेटा क्या किया गया, ऐड किया गया है, उसके अंदर की प्रॉपर्टी को गेट करता हूं, तो वो क्या प्रोवाइड करेगा, मोबाइल, यस। वन इंडेक्स पर जो ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है वो क्या प्रोवाइड करेगा, नेम अगर पास करता हूं तो लैपटॉप, और टू इंडेक्स पर जो ऑब्जेक्ट स्टोर्ड होगा उसका नेम पास करता हूं तो क्या प्रोवाइड करेगा, टैब, इस तरह से अलग अलग। तो इस तरह से हमें क्या करना है, एक टेबल रो डायनेमिक क्रिएट करना है, और डेटा रो वन टाइम क्रिएट होगा, मतलब समझो यहां पास हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर जिसके अंदर एरे, एरे के अंदर क्या हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स है ना, एक से ज्यादा रिकॉर्ड है, किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट फॉर्म में, ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू थ्री, इस तरह से मल्टीपल रिकॉर्ड हमारे पास है, ठीक है। तो कंटेनर के अंदर, एरे के अंदर क्या काम करना है कि एरे में से फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो इसका इंडेक्स पे है, इंडेक्स में से निकालो, इसके अंदर क्या डेटा है, इसकी क्या होगी, इसके अंदर क्या होगा, नेम प्रॉपर्टी होगी, दूसरा प्राइस प्रॉपर्टी, तीसरा क्वांटिटी क्वांटिटी, चौथा टोटल, ये प्रॉपर्टी है। तो ये सारे प्रॉपर्टी किसमें होंगे, सभी ऑब्जेक्ट में होंगे, है ना,
और डेटा क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो पहला ऑब्जेक्ट अगर हम निकाल, अगर हम इस एक लूप चलाएंगे किसके लिए यार, ध्यान दो, लूप लूप को समझाने के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आप लोग को लूप समझ में आए कि कैसे लूप चलाना है। ये कंटेनर है जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट कंटेन कर रहा है। अगर एक ऑब्जेक्ट अगर आपको मिल जाता है, ठीक है, तो उसमें से आपको डेटा निकालना है और क्या करना है, एलिमेंट्स क्रिएट करने हैं। एक ऑब्जेक्ट जो होगा इसके लिए कौन सा एलिमेंट क्रिएट करोगे, टीआर, टेबल रो, क्योंकि एक रो में उसके क्या डिस्प्ले होना चाहिए, नेम, प्राइस, क्वांटिटी और टोटल, यही है ना हमारा ब्राउजर पे। एक रो में नेम, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल, ये सारी चीजें डिस्प्ले होनी चाहिए। जब ये एक ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो तब उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पास डिस्प्ले हो रहा है तो सभी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेल क्रिएट करना होगा, मीन्स एक नोड क्रिएट, नोड, चलो बताते हैं टेक्स्ट नोड क्या है। इंसर्ट कराना, मीन्स टीडी, टीडी क्रिएट करना होगा। तो वन टाइम अगर एक लूप चलता है तो एक एलिमेंट क्रिएट होगा, और जब एक तो उसके अंदर चार कितने हैं, टीडी क्रिएट करने, टीडी एलिमेंट क्रिएट करने, इंसर्ट कराना है कि एक लूप की स्टोरी है। एक लूप चलेगा, एक लूप में क्या चल रहा है, एक लूप देखो, लूप के अंदर क्या क्या आ रहा है। फर्स्ट लूप जब चलेगा तो टी आर पे फोकस करेगा, तो टी आर कब तक चलेगा, जब तक के अंदर टी डी के अंदर डेटा सेट ना हो जाए। तो दूसरा लूप क्या चलाएंगे, इस टी डी के लिए लूप चलाएंगे। तो दो लूप चलेगा क्योंकि ये भी कंटिन्यूसली चल रहा है, कितने टाइम, फोर टाइम, और ये टी आर कंटिन्यूसली चल रहा है, टी आर फिर से क्रिएट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार टी आर क्रिएट हो और फोर टाइम लूप चलाए उसके बाद बंद, नहीं, क्योंकि फिर दोबारा आपको टी आर चलाना है। ये तो एक लूप में क्या होगा, टी आर क्रिएट होगा, और दूसरे लूप में क्या चलेंगे, टेबल, डेटा। समझ में आ रहा। तो यहां देखो, एक लूप में से हम निकालेंगे एक ऑब्जेक्ट, ये लूप चलाया, इसमें से हमने निकाला एक ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट में से एक लूप चलाएंगे, वो निकालेगा डेटा, और उसको क्या करेंगे, सेट करेंगे टी डी के अंदर। तो ये है ऑल रिकॉर्ड्स। ऑल रिकॉर्ड में से एक जिसको बोलते हैं आउटर लूप, आउटर लूप निकालेगा एक एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद हम क्रिएट करेंगे एक टी आर जो होगा टेबल रो, टी आर या रो बोल सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है, रो क्रिएट करेंगे। और इस रो के अंदर, एक रो जो है, ये रो के अंदर हमें कितने टाइम्स लूप चलाने होंगे यार, कितने टाइम्स लूप चलेगा, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता इसकी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी कैसे, प्रॉपर्टी गेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर इन याद है, इस ऑब्जेक्ट में से प्रॉपर्टी चाहिए तो इसके लिए हम फॉर इन, तो प्रॉपर्टी के बेस पे हम डेटा को निकालेंगे, ठीक है। तो निकालेंगे तो यहाँ पास क्रिएट क्या होगा, टी डी, कितने टी डी क्रिएट करना है, टी डी इंटू फोर, फोर टाइम, फोर मतलब हमारे पास फोर मैनुअली है, लेकिन हो सकता है 5 हो 6 हो 10 हो 20 हो, कितने भी टी डी हो सकते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या टी डी है, तो टी डी करो, तो टी डी कब तक क्रिएट होगा, वन टाइम क्रिएट हुआ, और डेटा सेट करेंगे कहाँ से, यहाँ से निकाल के डेटा सेट किया। डेटा भी करना है, पहले ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट निकालना है, तो मान लो मैंने ये वाला ले लिया, ये तो ऑल रिकॉर्ड में से, तो समझ में आ रहा है, यहाँ पास, तो यहाँ हमने क्या काम किया, एक टेबल, एक रो में कंट्रोल एक्स, एक यहाँ पास क्रिएट करेंगे, और फोर जो रिकॉर्ड है ये कहाँ क्रिएट होगा, यहाँ,
और डेटा भी सेट होगा, ये डेटा सेट का। तो ये कहाँ प्रेजेंट है? आपके ऑब्जेक्ट में। तो ये प्रोसेस है, समझ में आया है क्या प्रोसेस का क्या क्या करना है हमें? लूप कितने चलाने हैं? एक लूप चलेगा किसके लिए? के लिए। दूसरा हम चलाएंगे किसको? ये टेबल डेटा में। तो एक लूप जब फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा तो उस टाइम पर एक रो क्रिएट होगा, लूप वन। अगर मैंने लूप वन एग्जीक्यूट किया तो वन रो चलेगा, वन रो निकाला जाएगा, उसका डेटा सेट किया जाएगा। फिर उसके बाद सेकेंड लूप चलेगा तो सेकेंड लूप मीन्स इंडेक्स नंबर टू पे, ये ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट वन, ये रो और ये प्रोसेस, ऑब्जेक्ट टू, फिर से ये सेम प्रोसेस होगा। इसका रो क्रिएट होगा, टेबल, फिर लूप चलेगा, फिर इस तरह। तो ये कंटिन्यूसली हमको चलाना, समझ में आया? हेलो, चले? देखो यहां एक डायनेमिक टेबल में टेबल लिया है, JS पहले तो पहले हम जो डेटा है पहले डेटा रख ले, डेटा लेट किसका डेटा हमारा? प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट डेटा में एरे में रखेंगे ना, एरे के अंदर, ये एरे, एरे के अंदर किस फॉर्म में रखना है? ऑब्जेक्ट फॉर्म में। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? कर्ली ब्रेस, कर्ली ब्रेस के अंदर क्या डेटा रखोगे? पहले प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी नेम क्या है? नेम कॉलन डेटा, नाम क्या है? मोबाइल कॉमा प्राइस, प्राइस 5000 कॉमा, प्राइस के बाद क्या है? क्वांटिटी कितनी हो गई? अभी हम डेटा मान रहे दे दिए 10 पीस एंड टोटल या रेटिंग जो भी देना भी दे सकते हो, ठीक है। टोटल कितना होगा? 5000 × 10 जाएगा 50000, ठीक है। ये हमारा वन रिकॉर्ड, रिकॉर्ड वन कॉमा सेकंड, इसके बाद सेकंड कॉम, क्योंकि ये लूप के एरे के अंदर है ना, तो इसके लिए कॉमा। तो कॉमा से 1 2 3 4 5 फाइव रिकॉर्ड हमने क्या किया? ऐड कर दिए। प्रॉपर्टी नेम सेम, डेटा चेंज, लैपटॉप टैब पेन वॉच, बाकी सारी चीजें डेटा आप लोग चेंज कर लेना, ठीक है। अब यहाँ हमने क्या बनाया है? यहाँ हमने ये जो डेटा हमने रखा है यहाँ से मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है, इसको कॉपी कर टेबल से, फिर बाद में इसको देखेंगे कैसे डायनेमिक क्रिएट करते हैं, अभी के लिए फिलहाल कॉपी ले और लिंक कर देते हैं स्क्रिप्ट सारसी डायनेमिक टेबल डॉट जेएस, इसके अंदर हमें डेटा को ऐड करना, ठीक है। तो ये बटन्स बना सपोर्ट कराने के लिए या फिर बॉडीज को बॉडी पे ही डायरेक्ट आप ऑनलोड करा सकते हो, और चलो हम बटन ले लेते हैं।
यहां मैंने क्या क्रिएट किया, बटन, बटन का नेम क्रिएट, क्रिएट टीपी, टीपी क्रिएट टेबल या ऐड डेटा जो भी है। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, क्लिक करने पर फंक्शन एग्जीक्यूट हो वो का नाम क्या नाम से होगा, लोड लोड प्रोडक्ट डेटा, लोड प्रोडक्ट, लोड फंक्शन। ठीक, तो ये फंक्शन जो है हम क्रिएट करते हैं कहाँ, इसके अंदर कॉपी डायनेमिक टेबल, ये फंक्शन, एक फंक्शन क्या बनाया, लोड प्रोडक्ट, लोड प्रोडक्ट। अब बोलो क्या काम करना है, लोड करना है डेटा, तो डेटा कहाँ है, ये प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल में से मैं एक लूप चलाता हूँ, क्या नाम से लूप, डिफरेंट टाइप की भी है, जैसे फॉर ईच लूप भी है, तो प्रोडक्ट डिटेल डॉट, देखो एक लूप मैंने बताया है इसका, दूसरा देख लो फॉर, फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप में यहां हमें पास करना होता है वो फंक्शन, कौन सा फंक्शन, एक फंक्शन होता है नेम्ड फंक्शन, दूसरा क्या होता है एनोनिमस फंक्शन। दूसरा फंक्शन के बारे में बताया था ना यार, याद है हेलो, फंक्शन याद है, नेम फंक्शन एक होता जी है, सर हाँ एनोनिमस फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन में क्या होता है, एनोनिमस फंक्शन में फंक्शन का नेम नहीं होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पास, यहाँ एक एक तो ये तो प्रीडिफाइंड है, एक है फंक्शन जिसको बोलते हैं, इसके अंदर आपने M1 या F1 ये फंक्शन, लेकिन हम क्या पास रहे हैं एनोनिमस फंक्शन, क्यों, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है कि नेम को, क्योंकि नेम हमें कॉल नहीं करना है, नेम जब हमें नेम का जरूरत नहीं होता है कि M1 नेम से करना है तो हम इसको नेम प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन या फिर कॉल बैक फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो कॉल फंक्शन फॉर ईच, ये लूप है, लूप के अंदर एक फंक्शन एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं जो क्या करेगा, एक लॉजिक चला, लॉजिक क्या है कि ये डेटा को एक एक करके सेट करना है, डेटा सेट करना है, उसके फंक्शन चाहिए, तो फंक्शन के अंदर हम फंक्शन बना रहे हैं, तो ये फंक्शन का काम क्या है कि फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप क्या बताता है, ये प्रोवाइड करता है ऑल रिकॉर्ड्स, ऑल रिकॉर्ड्स कितने हैं उसके पास, अभी हमारे पास मान लो उसने लेंथ चेक किया, बताया कि उसने पास फाइव रिकॉर्ड्स है, तो फाइव रिकॉर्ड में से फर्स्ट रिकॉर्ड इस फंक्शन को प्रोवाइड करो, कौन सा रिकॉर्ड, फर्स्ट डेटा, फर्स्ट रिकॉर्ड कोई सा भी हो, फर्स्ट रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड कौन है, फर्स्ट रिकॉर्ड ये जीरोथ इंडेक्स पे, तो इस रिकॉर्ड को हमें पास करो, तो हम इससे क्या करेंगे, इस रिकॉर्ड को लेंगे, तो प्रोडक्ट वन या कुछ भी ले लो प्रोड नाम से, एक प्रोड आ गया, प्रोडक्ट वन आ गया, फर्स्ट प्रोडक्ट, अब इस फर्स्ट प्रोडक्ट की लॉजिक जो है इसके अंदर लिखेंगे, इसके अंदर फर्स्ट प्रोडक्ट की लॉजिक क्या है, ये कैसे चल रहा है, कॉल बैक फंक्शन, अच्छा सॉरी सॉरी एक मिनट, ये कर्ली ब्रेस यहाँ नहीं रहेगा, ये फंक्शन है ना फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप, ठीक है, देखो फिर से बता देता हूं, सबसे पहले हमें क्या करना है, लूप चलाना है ऑल रिकॉर्ड, ऑल रिकॉर्ड किसके पास है, प्रोडक्ट डेटा के पास है, इसके बाद हम बोलेंगे लूप चलाओ, कौन सा लूप, फॉर ईच लूप, फॉर ईच एक क्या है फंक्शन मेथड, इस मेथड को हमें पास करना है, या तो हम डेटा भी पास कर सकते हैं, हमारे पास एरे जो है उसको डायरेक्ट एरे पास कर दो, या फिर इसमें हम क्या करेंगे फंक्शन पास करेंगे, फंक्शन कौन सा फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन या एनोनिमस फंक्शन, ये इसका एनोनिमस फंक्शन है, देन इसकी लॉजिक, ये इसकी लॉजिक, कर्ली ब्रेस मींस इसकी लॉजिक, ये समझ में आया, ऑल रिकॉर्ड जो है इस
हम किसी एक फंक्शन को दे रहे हैं कि एक एक करके तुम उस पर लॉजिक एग्जीक्यूट करो, लॉजिक चलाओ। तो रिकॉर्ड जो आएगा किसमें आएगा, यहाँ आएगा पहला रिकॉर्ड। तो पहला रिकॉर्ड मीन्स कौन सा आ गया, एक ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट का डेटा हम यहाँ से निकाल लिए, ये सेम इमेज देखो, इमेज से समझ में आएगा। तो ये है यहाँ पास हमने क्या लिखा, ऑल रिकॉर्ड, ये एरे वन ऑल रिकॉर्ड है। देन हमने फर्स्ट लूप क्या चलाया इसके लिए, ऑल रिकॉर्ड से यहाँ निकालने के लिए, यहाँ पास क्या चलाया, फॉर ईच ईच लूप, फॉर ईच लूप, ये दिख रहा है, फॉर हाँ ईच। सर, फॉर ईच लूप का काम क्या है, ऑल रिकॉर्ड को डील करना, ऑल रिकॉर्ड जितने भी है उसमें से। अब इसने क्या किया, इसमें से हमने बोला कि फर्स्ट रिकॉर्ड निकालो, तो यहां से इसे फर्स्ट रिकॉर्ड फॉर ईच लूप क्या किया, फर्स्ट रिकॉर्ड ये निकाल के दे दिया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड, ये फर्स्ट रिकॉर्ड किसको हमने दिया है, एक फंक्शन कॉल कराया है। तो वो फंक्शन कौन है, कॉल बैक फंक्शन, एनोनमस फंक्शन। एनोनमस फंक्शन को हमने यहाँ पर दिया किसको, क्या नाम अच्छा लगे, ये है एनोनमस फंक्शन, कॉपी एनोनमस फंक्शन कर दिए। इसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन या एनोनमस फंक्शन। ये प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वन आया। अब प्रोडक्ट वन आने के बाद हमें क्या क्रिएट करना है, वन रो। तो वन रो जब क्रिएट करोगे तो डायनेमिक क्रिएट करोगे, वन रो क्रिएट एलिमेंट, यस एलिमेंट क्रिएट करने के बाद फिर से एक लूप चलानी पड़ेगी क्या करने के लिए, ये जो आपके पास एक रिकॉर्ड आया है, अब इसकी प्रॉपर्टी लो और उस प्रॉपर्टी के बेस पे डेटा सेट करो। समझ में आना, क्लियर है ना, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलोगे क्लियर रहेगा, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। देखो यहाँ सेम चीज। अब लॉजिक, लॉजिक क्या है हमारा, लॉजिक ये है कि आप पहले डेटा पास कर दिए, डेटा में मिकल मिल गया, ठीक है, एक रिकॉर्ड मिल गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है, यहाँ टेबल रो है ना, टेबल रो क्रिएट करो और इसके अंदर एक वेरिएबल के अंदर कोई सा भी लेट या वेर जो भी रखना है, तो मैं लेट यूज करता हूँ, तो लेट यूज कर लेना, ठीक है। लेट वेरिएबल का नेम टी आर, टी आर में मैंने डेटा को सेट कर ऐड कर लिया। तो टी आर के अंदर क्या है, सॉरी ये टी आर क्या है, एक रो है। अब इस रो में जब रो हमने क्रिएट कर लिया है, एक रो क्रिएट हो गया, तो आपको क्या करना है कि प्रोडक्ट में से एक की निकालो, की निकालो, इसकी की कैसे निकालेंगे, की कैसे निकालेंगे बोलो, फॉर लेट इन किसमें से, प्रोडक्ट। अब इसकी लॉजिक क्या है, लॉजिक अगर मैं बोलूं, ठीक है, क्या करना है, तब एक में इसमें से पहली की अगर आ गई है, जैसे कि नेम, तो नेम जब आएगा, ठीक है, कॉपी यहाँ पास कर देते हैं, फर्स्ट टाइम है इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। करेंगे ये आउटर लूप वाला पार्ट है, मैं यहाँ पास लिख देता हूँ, ठीक। ये इनर वाला जो है पहले एक ये वाला चलेगा, चलो उस पर लिख देता हूँ जब इतना लिख रहे हैं तो, है ना, चार यहां से कॉपी कर लेते, क्या काम कहाँ हो रहा है आपको,
तो नहीं हो रहा यार। तो बोलो सर, आधा टाइम तो डायग्राम डिजाइन करना, अपने लिए डिजाइन नहीं कर रहा यार, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, ये टैग क्रिएट हो गया। अब इसके बाद एक टैग क्रिएट हो गया तो इसके अंदर आपको मास्टर रिकॉर्ड, यहाँ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बोलेगा कि प्रोडक्ट आप हमें एक की रिटर्न करो। की क्या रिटर्न करेगा, की, ये की रिटर्न करेगा। अगर की, अगर नेम है तो अगर मैं पास करूँ की तो रिटर्न कर दो वैल्यू, है ना। तो ये यहाँ पास मोबाइल, अगर इस ऑब्जेक्ट में पहला डेटा किसका है, मोबाइल का है, तो मोबाइल आना चाहिए, है। मोबाइल को डेटा सेट करने के लिए हमें क्रिएट करना पड़ेगा टीडी, है ना, टीडी ना, यस। तो चलो इधर देखो, यहाँ पास क्रिएट कर टीडी डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट, क्या एलिमेंट करो, क्रिएट टीडी, टेबल डेटा। टेबल डेटा क्रिएट करने के बाद इसको स्टोर कर दे एक वेरिएबल में, लेट टीडी, ठीक है। नेक्स्ट टीडी, अब क्या करो, इसको अपेंड करो, किसके अंदर अपेंड करें, किसके अंदर बोलो यार, टीडी को किसमें अपेंड करोगे, रो रो में। तो रो में अपेंड करने से पहले हमें, के हाँ, तो जब ये सेट हो तो रो के अंदर अपेंड करो। अंदर तो इससे पहले, अपेंड करने से पहले हमें क्या करना है कि जो की है, की को टीडी में सेट करो, इंसर्ट करो। तो टीडी में कैसे सेट करेंगे, तो टीडी डॉट, इससे पहले याद होगा इनर एचटीएमएल हम ये लोग यूज कर रहे थे, इनर टेक्स्ट। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अपेंड चाइल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मैं क्या काम करने जा रहा हूँ कि इसके अंदर एक मैं नोड, टेक्स्ट नोड क्रिएट कर रहा हूँ। क्योंकि नोड हमारे पास कौन कौन से होते हैं, देखो एक डॉक्यूमेंट नोड दिख रहा है इधर, डॉक्यूमेंट नोड होते हैं, एलिमेंट्स नोड होते हैं, एलिमेंट का नोड, नोड एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो एक टेक्स्ट नोड है, टेक्स्ट नोड क्या काम करता है, सिंपल एक टेक्स्ट क्रिएट कर देता है आपका, ठीक है। तो हमारे पास जो आइटम है वो क्या, सिंपली टेक्स्ट है। तो इसके लिए हम डॉक्यूमेंट के पास है टेक्स्ट नोड, तो इसको, इससे पहले हम क्या करेंगे, देखो डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, क्रिएट टेक्स्ट नोड, क्रिएट टेक्स्ट नोड, एक टेक्स्ट नोड क्रिएट करो और करो क्या इसको, उसके अंदर डेटा, डेटा क्या पास करना है, की। डेटा क्या पास करोगे, की। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, याद है ऑब्जेक्ट। मैं इससे पहले आपको बताया था ना कि क्या नाम है, यहाँ पर देखो, इससे पहले मैं आपको बताया था क्या नाम, फॉर इन में, ये फॉर इन में हम पास कर रहे थे, यहाँ पास आई, यहाँ देखो ध्यान से देखो, यहाँ पास क्या कर रहे, आई, आई क्या रिटर्न कर रहा था, इंडेक्स। आई क्या रिटर्न कर रहा, इंडेक्स। तो इंडेक्स मतलब प्रॉपर्टी, तो जो भी प्रॉपर्टी होगा ऑब्जेक्ट की वो रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पास सेम कॉन्सेप्ट, देखो सेम कॉन्सेप्ट, अगर मैं बोलू तो ARR1, ARR1 क्या है, ARR1 क्या है, ये एरे, एरे के अंदर रिकॉर्ड है, एरे, अरे हाँ। तो अगर इसको मैं बोलू इसके अंदर पास कर दो आई, तो क्या इसकी वैल्यू आएगी, एरे वन के अंदर आई पास करेंगे तो क्या होगा, इंडेक्स प्रिंट करेगा या फिर इसका डेटा 101, इंडेक्सिंग हाँ। क्योंकि अगर मैंने यहाँ एरे में अगर मैंने जीरो पास किया तो जीरो इंडेक्स की वैल्यू। तो अभी आई जो है सबसे पहले किस, कौन से वैल्यू को होल्ड किया है, जीरो को। इसका मतलब कि पहले आई जो होगी जीरो होगी, इसके बाद नेक्स्ट लूप में वन होगा, उसके बाद नेक्स्ट लूप में टू होगा, नेक्स्ट लूप में थ्री होगा, वैल्यू क्या होगी, वापस चेंज होती जाएगी डेटा।
ये क्या हो रहा है, ये एरे है, एरे में से हमने पास किया कि ऑब्जेक्ट ये सॉरी इंडेक्स को, या इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी को। तो प्रॉपर्टी जो है इसको हम बोलते हैं की, की क्या है आई, आया समझ में। तो इसी तरह से यहाँ ये जो है कि मैं यहाँ पास आपको बताना चाहता हूँ कि जो है देखो यहाँ यहाँ कि यहाँ जो है क्या नाम प्रोडक्ट, प्रोड क्या है ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर डेटा है। तो अगर मैं पास कर दूं की तो क्या डिस्प्ले करेगा, क्या रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा? अगर पहला अगर नेम है तो क्या रिटर्न करेगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का नेम मोबाइल। फिर दूसरा उसके बाद फिर की पास, यहाँ पास इससे पहले भी पास किया क्या गया की के पास, यहाँ पास की था नेम, तो नेम। दूसरा क्या आएगा उसका नेम की वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पास की आएगी नेम, तो इसकी वैल्यू क्या होगी मोबाइल, समझाने के लिए बता रहा हूँ मोबाइल। अगर मैं यहाँ पास पास किया नेक्स्ट, नेक्स्ट लूप में इसकी ऑटोमेटिक की फर्स्ट की निकालेगा, फिर उसके बाद सेकेंड की, सेकेंड की क्या है प्राइस, तो ये इसके बाद आप रिटर्न करेगा प्राइस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की क्या होगी, फिर से की चेंज होगा, क्या होगा क्वांटिटी, क्वांटिटी क्वांटिटी रिटर्न कर देगा ये क्वांटिटी, ठीक है। डेटा होगा चेंज, टोटल टोटल के स्पेलिंग शायद मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। तो हम जो कर रहे हैं क्या, क्रिएट टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट नोड जो क्रिएट कर रहे हैं, इसको हमें क्या पास करना है डेटा। तो डेटा ये होल्ड कर रहा है बट हमें की के बेस पे देना है, तो की पास करेंगे तो रिटर्न करेगा उसके बेस पे डेटा। ये समझ में आई, ये लाइन समझ में आया, बोलो नहीं आया, हेलो कंफ्यूजन है, एक बार दोबारा रिवाइज करना आ जाएगा सर, एक बार बता दीजिए थोड़ा। हाँ हाँ देखो ये क्या है, ऑब्जेक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन रखा है यहाँ से यहाँ तक, है ना। अगर मैं बोलता हूँ कि ऑब्जेक्ट में ये पहला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट में अगर मैं की पास करता हूँ, जिस तरह से मैंने वहां बताया था, यहाँ मैंने किसको पास किया था, क्या नाम है, चला गया यहाँ, यहाँ ये वाले लाइन फॉर इन में, फॉर इन में अगर मैं प्रॉपर्टी पास करता हूँ तो ये क्या रिटर्न करेगा उसका डेटा, है ना। तो इसी तरह से ARR1 जो है यहाँ हम क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को इंडेक्स दे रहे हैं, मीन्स प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो वो रिटर्न कर रहा है हमें डेटा, बस यही चीज है। अगर हम हमको डायरेक्ट वैल्यू चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे फॉर ऑफ, तो फॉर ऑफ क्या रिटर्न करेगा वैल्यू, ना कि इंडेक्स, लेकिन हमें क्या चाहिए इंडेक्स, ताकि हम क्या कर सके एक एक डेटा मीन्स प्रॉपर्टी को अकॉर्डिंग सेट कर सके, मैच करा सके, ये प्रॉपर्टी है यस इसमें डेटा ऐड करो, ये प्रॉपर्टी है इसमें डेटा ऐड करो, तो प्रॉपर्टी के बेस पे हम डेटा को ऐड करा रहे हैं। तो कैसे निकाल रहे हैं यहाँ पास, वही सेम अप्रोच पास फॉलो किया हूँ, क्या नाम है यहाँ, तो प्रोडक्ट जो है ये जो प्रोडक्ट है कॉपी, मैंने कॉपी किया यहाँ पर, इसको पेस्ट किया, प्रोडक्ट में पास किया क्या, प्रोडक्ट को डेटा है एक्चुअली ऑब्जेक्ट, कंप्लीट ऑब्जेक्ट, कंप्लीट ऑब्जेक्ट को अगर मैं पास करूंगा की तो क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करता है जो की होगी उसकी वैल्यू, जो की होगा उसका वैल्यू। अब समझ में आया, बोलो एक एग्जांपल भी देखो यहाँ पास, एग्जांपल वैल्यू, जैसे मैंने प्रोडक्ट को पास किया प्रोड की जो है की, सपोज मान लो, तो पहला लूप में जो चलेगा की क्या होगा यहाँ पास, प्रोडक्ट में से पहला की निकालेगा, कौन सा निकालेगा फर्स्ट, जीरो, जीरो पोजीशन पे जिस जो की होगी नेम, तो पहला क्या निकालेगा यहाँ से नेम, नेम की रिटर्न क्या करेगा, ये की अगर पास करोगे तो रिटर्न क्या करेगा बोलो, नेम क्या है मोबाइल,
बोलो यार, समझ में आया? नहीं आया? आप लोग रेस्पॉन्स नहीं करते। आ रही है तो बताओ, नहीं आ रहा तो बताओ। हाँ आ रहा ना? तो ये आ रहा ऑब्जेक्ट का डेटा रखा है, तो यहाँ पास हमने नई नेम पास करेंगे तो क्या रिटर्न करेगा? मोबाइल। अगर हम प्रोडक्ट में से दूसरा की पास करेंगे, प्रोड में क्या पास किया? की कौन है? दूसरा प्राइस। प्राइस प्राइस अगर पास करूंगा तो क्या डेटा रिटर्न करेगा? ये उसका प्राइस ना, उसका प्राइस। इसी तरह से प्रोड में सेकंड की पास किया, इसका की सेकंड। हाँ, प्रोड की क्या है? इसका क्वांटिटी। क्वांटिटी क्वांटिटी पास करूंगा तो क्या रिटर्न? क्वांटिटी। जो काम हम क्या कर रहे हैं, मैनुअली नहीं कर रहे हैं, यहाँ पास क्या कर रहे हैं, लूप के थ्रू करा रहे हैं। तो लूप जो है वो कौन बाइंड है? की के अंदर वो ऑटोमेटिक नेम प्राइस क्वांटिटी ये देगा। जब ये एक एक करके डेटा हमें देगा तो हमें, हमारा काम क्या है, इस डेटा को टीडी में सेट करना है। बस यही काम करना है कि टीडी में डेटा बस सेट करना है। टीडी एलिमेंट क्रिएट करो, डेटा सेट करते जाओ। तो ये की के बेस पे कैसे डेटा निकालते हैं, ये यहाँ पास आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे डेटा निकालना है की। तो कैसे निकालेंगे? ये प्रोडक्ट को पास करेंगे, तो ये की। तो ये क्रिएट करता है टेक्स्ट नोड। टेक्स्ट नोड जो क्रिएट किया है, ये रिटर्न करेगा आपको एक टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट को आप अपेंड कर दो। टेक्स्ट क्रिएट करता है, ये क्या है? टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट, ना कि एलिमेंट। ये क्या क्रिएट करेगा? फर्स्ट क्रिएट किया है, टेक्स्ट निकाला है। तो मोबाइल कोई एलिमेंट क्रिएट किए हैं क्या? नहीं, टीडी एक क्या है, एलिमेंट है। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट स्टोर करा रहे हैं। तो क्या है, मोबाइल एक टेक्स्ट है, इसलिए हमने टेक्स्ट नोड क्रिएट किया है कि एक टेक्स्ट क्रिएट करो और उस टेक्स्ट को ऐड कर दो। किसके अंदर अपेंड करो? किसके अंदर यार? हाँ, किसके अंदर ऐड करेंगे यार? टीडी के अंदर ना। टीआरपी अब टीडी टीडी टेबल डेटा, डेटा है ही, डेटा रिटर्न करेंगे। तो टीडी, डेटा, हाँ सॉरी, डेटा टीडी। हाँ, अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड क्या अपेंड कर दो? ये टेक्स्ट, टेक्स्ट एक्चुअली क्या है, टीडी ये क्या है, पेरेंट है। उसके अंदर जो होगा टेक्स्ट नोड चाइल्ड होगा। तो ये क्या है, ये पेरेंट होगा, क्या नाम से, इधर ये पेरेंट है, ये ऊपर वाला पेरेंट है। इसके अंदर जो डेटा है ये क्या है, टेक्स्ट। ये समझ में है, ये टेक्स्ट। तो इसके लिए जो मोबाइल डेटा आएगा, इसको ये हम इसके लिए क्या क्रिएट किए, टेक्स्ट नोड। टेक्स्ट नोड ये क्रिएट करना होगा, तो इंटरनली हम क्या करेंगे, टेक्स्ट एलिमेंट नोड। डॉक्यूमेंट के पास एलिमेंट नोड है, डॉक्यूमेंट नोड है, अलग अलग नोड्स। ठीक है, चलो ज्यादा कंफ्यूज ना हो, जितना आपको पढ़ना है अपन ध्यान दो। तो ये टेक्स्ट नोड क्रिएट किया और अपेंड किया पेरेंट में। पेरेंट कौन है? चैट। ये टीडी। टीडी का पेरेंट कौन है? टीडी का पेरेंट कौन है? टीआर। टीआर में अपेंड करेंगे। फिर इसके बाद इसका पेरेंट कौन है? टी टी टेबल बॉडी। तो एक एक करके हम क्या करते हैं, अपेंड करते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये लूप कब तक चलेगा? जब तक कि इसके पास प्रोडक्ट के पास जो प्रोडक्ट है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, पूरा डेटा सेट नहीं हो जाता है। तो उस टाइम पर यहाँ एक एक एलिमेंट क्या होंगे, टीडी एलिमेंट क्रिएट होगा, टेक्स्ट क्रिएट होगा, टेक्स्ट नोड क्रिएट होगा, ऐड किया जाएगा टेक्स्ट, अपेंड करेंगे चाइल्ड नोड में, मिस टीडी में। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपेंड करेंगे टेबल रो में। ठीक है, टेबल रो में कैसे अपेंड करोगे? तो जो टी आर है, टी आर डॉट अपेंड, अपेंड चाइल्ड। चाइल्ड कौन है इसका? इसका चाइल्ड कौन है? टी डी। टी डी इसका चाइल्ड। ठीक है, अब इसके बाद ये लूप खत्म। अब एक रो में कंप्लीट। अब इसके बाद कितने रो होंगे, कब तक चलता जाएगा? फिर इसके बाद दूसरा रो, तो दूसरा रो, अब ये करा दिए हैं। तो अब ये फॉर ईच लूप इस ऑल रिकॉर्ड में से अब दूसरा ऑब्जेक्ट डिलीवर करेगा इस फंक्शन को। उसके बाद फिर से रो क्रिएट होगा, फिर की वैल्यू निकाली जाएगी, टेबल क्रिएट किया जाएगा, अपेंड किया जाएगा रो में, फिर उसके बाद बाहर। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली कब तक चल रहा है, ऑल रिकॉर्ड इसमें निकाला ना जाए। तो एक उसके बाद रिकॉर्ड, टेबल क्रिएट, टेबल डेटा क्रिएट, उसके अंदर की के बेस पे वैल्यू निकला जाएगा और
नोड क्रिएट किया जाएगा, और क्या किया टेक्स्ट नोड क्रिएट करेंगे, अपेंड करेंगे टेबल डेटा के साथ, फिर उसके बाद लास्ट में अपेंड कर देंगे रो के साथ। उसके बाद फाइनली हम क्या करेंगे, अपेंड करेंगे किसके अंदर टेबल, जब ये सारे डेटा क्या होंगे निकाले जाएंगे, उसके बाद हम अपेंड करेंगे टेबल बॉडी के साथ, टेबल बॉडी, ये हमारे पास टेबल बॉडी है ना पेरेंट, अब इसका टेबल रो का टेबल बॉडी। अब इसके साथ अपेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पास फॉरिच लूप के अंदर, इस लूप के अंदर, अब ये लूप कंप्लीट ना, ये लूप कंप्लीट, अपेंड करो टेबल बॉडी में, एक एक रो को हम टेबल बॉडी में क्या करते जाएंगे अपेंड करके। तो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर के थ्रू हम अभी सिलेक्ट कर रहे हैं, बाकी आप गेट एलिमेंट बाई आई डी आप यूज कीजिएगा या जैसे रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो क्या है टी बॉडी, टेबल बॉडी अपेंड, चाइल्ड क्या है चाइल्ड टेबल रो टी आर। ठीक है यार, और कुछ इसके बाद हम यहाँ पास स्किप करते हैं प्रोग्राम, चैट अच्छा ये हमने बनाया। तो ये देखो ये स्टैटिक है, यहाँ पास हमने एक बटन बटन बनाया था क्रिएट टेबल, टेबल पे क्रिएट करेंगे तो ये क्या होगा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो ये फंक्शन करोगे डेटा ऐड, डेटा ऐड हुआ यार। हेलो यहाँ से अगर हम रिकॉर्ड बढ़ाते जाएंगे, क्या नाम है जेसन में से, यहाँ से अगर और डेटा ऐड करेंगे पुश करते जाएंगे इसके अंदर, फिर अब एरे के जितने इंपॉर्टेंट प्री डिफाइंड फंक्शन जो मेथड है उसके अंदर शॉर्टिंग करना, रिमूव करना, ऐड करना, फाइंड करना, डिलीट करना, वो सारी चीजें स्ट्रिंग के फंक्शन, स्ट्रिंग के मेथड और एरे के मेथड, ये डायनेमिक एलिमेंट क्रिएट खत्म होने के बाद ये वाला चैप्टर, फिर उसके बाद हम उस पे चलेंगे, उस पे इसके बाद हम देखेंगे इनपुट इनपुट फंक्शन कौन कौन, मैनिपुलेशन फंक्शन, एरे फंक्शन, फिर ये कंप्लीट होने के बाद फिर एपीआई बाइंडिंग देखेंगे, समझ में आया, तब जाके हमारा एपीआई चलेगा, एपीआई मतलब फेच करना सर्वर, सर्वर से डेटा फेच करके ऐड कराना। ठीक है, तो यहाँ तक आज आप प्रैक्टिस करो, कल हम देखेंगे, आज टाइम काफी ज्यादा हो गए जावा क्लास के टाइम हो गए। क्लियर हुआ ठीक सर, हाँ जी।